दोस्तों, जो इंसान जिद, जुनून और जोश से भरा हो तो बिजनेस क्या उसे किसी क्षेत्र में कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे लोग तो समाज में अपना नाम पहचान और वो तो आगे खुद बढ़ते ही हैं, उनकी वजह से दूसरे लोग भी आगे बढ़ते हैं। वैशाली आता हूँ तो एक शख्स का तस्वीर मेरे दिमाग में आता है और बरबस ही मैं उनके पास चला आता हूँ, जिनका नाम है धूपन गुप्ता जी और ये हमारे सामने हैं। ऐसे ही एक शख्स में इनका नाम शुमार है। तो सर, बहुत बहुत आपका फिर से स्वागत। और आप क्या बताऊं, आपसे मिल करके मैं खुद इंस्पायर भी होता रहता हूं। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिहार के युवाओं के लिए, न कि पूरे देश के लिए, जो पहल आप चला रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हम लोग तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो आप जिम्मा उठाए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई धूपन जी की बहुत बड़ी स्टोरी है। हमको लगता है सर कि ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 3 से 4 साल पहले एक छोटे से दुकान से आपने यात्रा की थी। यहाँ पे तो बहुत सारे पर्वलाइजर्स हैं, 2-4 पर्वलाइजर्स हुआ करते थे और ज़िंदगी में काफ़ी आप आगे बढ़ गए हैं। शादी भी हो गई, घर भी बना लिया, बड़ा गोदाम भी बनाया इस बीच में बहुत सारी आपकी उपलब्धियां रही हैं। तो ये उपलब्धियों को देखते हुए क्या आपके मन में अब ख्याल आते हैं खुद के बारे में, कैसे ये संभव हुआ, क्या क्या आप सोचते हैं, कुछ तो फीलिंग्स बताइए। स्टार्टिंग हमेशा से बहुत नॉर्मल रहा है, नौकरी से स्टार्ट किया था और हमेशा से दिल में ललसा तो रही थी कि भाई बिजनेस ही करना है जी। लेकिन ये टारगेट मेरा हमेशा से था कि भाई बिजनेस करना है और एक दिन थोड़ा बड़ा करना है। और मैं सभी भाइयों को भी यही कहता हूँ कि आप 2,000-4,000 रुपये कमाइए, लेकिन बिजनेस से कमाइए। जब आप एक छोटा सा बीज बोते हैं बिजनेस का, तो एक समय में वो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। आज हमारे पास ऐसा वृक्ष है जिसमें लाखों फल फड़े हैं। हमने कितने सारे लोगों को जो है रोजगार दिया, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग, कम से कम 15 से 20 लोग काम करते हैं, उनका घर हमारे थ्रू चल रहा है। तो ये सब जो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम इतना कर पा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई बिहार में, यूपी में, बंगाल में, झारखंड में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सरकार यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज यही है, क्योंकि ये वैकेंट है एरिया, यहाँ पे खाली है, आप जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं। कंपटीशन लो है। अगर आप यही दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, मतलब कहीं भी जो गुजरात जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग इस बिजनेस में बैठे हैं जो आपको शायद टिकने नहीं देंगे या आपको बहुत बड़ा होने का बहुत कम स्पेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बिजनेस मैन यूपी बिहार में लोग अगर आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आज से 5 साल 10 साल बाद वो बहुत बड़े लेवल पे होंगे जी। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा, बहुत छोटे से दुकान से जी। एक एग्जांपल मान सकते हैं कि भाई हमने एक मशीन से स्टार्ट करके आज सैकड़ों की तादाद में मशीनें हमारे पास स्टॉक में रहती है, हर चीज लाइफ का मेंटेन कर पा रहा है इसी बिहार से जी। तो अपॉर्चुनिटी तो है बिहार में, महुआ से। महुआ से, महुआ में जब मैं बिजनेस से स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग बोले थे कि अरे क्या होगा, पटना मुजफ्फरपुर जैसे शहर में खोलेगा तो चलेगा, यहाँ पे कौन चलेगा, यहाँ पे पटना मुजफ्फर क्या बोलूं, इलाहाबाद, दरभंगा, बंगाल, कहाँ से लोग यहाँ चल के आते हैं। सही बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपके अंदर क्वालिटी है, दम है। वो हम लोग जो बिजनेस का मॉडल है हमारा है कि भाई सीधे मशीन नहीं बेचते हैं, कस्टमर को नीड क्या है। हमारे पास जब बहुत सारे लोग का कस्टमर का कॉल आता है तो बहुत परेशान होते हैं बहुत बारी कि भाई हमने ये मशीन लेके फंस गया। तो एक्चुअली फंसना ही है। अगर आपको मान लीजिए इंजीनियरिंग करना है और आप जाके जो है कि मेडिकल में एडमिशन करा लेंगे तो थोड़ी आप जो है कि अच्छा इंजीनियर बन पाएंगे। तो अब यहाँ पे मतलब हम लोग जो काम करते हैं उसमें ये चीज़ देख रहे हैं कि कस्टमर को क्या नीड है, उनको क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोग मशीनें प्रोवाइड करवाते हैं। सही बात है। हमारे पास इतनी सारी मॉडल्स लगी हुई है, वे ऐसे ही नहीं लगी हुई है, सब में आटा ही पीसता है, सब में मसाला ही पीसते हैं, लेकिन उनको नीड क्या है, उनको PMEGP के अंदर है, उनको पैकिंग करना है, उनको सिंगल फेज में चलाना है, उनको सिंगल फेज में 5 HP पे चलाना है, 3 HP पे चलाना है, 3 फेज पे चलाना है, 7.5 HP पे चलाना है, 250 किलो से ज़्यादा का प्रोडक्शन चाहिए, प्लांट लगाना है, इतने सारे सवाल जो आपको चाहिए। और आपके मार्केट सिनारियों पे, आपके इन्वेस्टमेंट के, जैसे बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर को टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है और वो क्या करते हैं कि कहीं से बहुत बड़ा ख्वाब देख के, वीडियो देख के, वो एक मशीन ही 2.5 लाख का किन लेते हैं 50,000 और एडजस्ट करके। अरे भाई साहब, आगे बिजनेस कैसे रन कराएंगे, कहाँ से फिर पेमेंट लाएंगे। तो वो सारे जो सिनेरियो है, कैसे एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हैं एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग
के तौर पे हम लोग वो पूरा गाइड करते हैं। सही बात है, बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी जो वीडियो देख के उनको जोश मारता है कि अपनी जिंदगी में कुछ करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें आइडिया होना बहुत जरूरी है, शुरुआत में तो अनुभव रहती नहीं है, दूसरे से उधार लेना पड़ता है। तो शायद कहीं ना कहीं दुपन जी इस काम में बहुत ही परफेक्ट है कि भाई एक पढ़ा लिखा युवा जब समाज में आता है तो वो दूसरे तरह से गाइड करता है, और आपने बहुत ही कंसंट्रेट होकर के काम किया पर्लराइजर्स के ऊपर, राइस मिल के ऊपर। हालांकि अब आपके सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, मैंने देखा कि आप ऑयल मिल में भी उतर रहे हैं, लेकिन फूड इंडस्ट्री के अंदर ही सारा पैर फैला रहे हैं भाई। इस फूड इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा जैसे हमारा एक मॉडल है जो हम लोग चाहते हैं कि भाई हर जगह हो कि स्वस्थ जो है, जैसे कि एक जो है स्वस्थ खाना जो लोग खाए उसके लिए शुद्धता का गारंटी वाला शॉप, जिसमें आप 2-3 मशीन लगा करके और बड़ी सी बोर्ड लगाइए कि भाई लोकल फॉर वोकल हमारे यहाँ शुद्ध मिलती है, शुद्ध ऑयल दीजिए, शुद्ध आटा दीजिए, शुद्ध बेसन दीजिए, शुद्ध मसाला दीजिए। और ये मांग में आज के टाइम में सबके पास पैसा है, सबके पास, जिनके पास नहीं है वो भी कहते हैं कि कम से कम खाना तो शुद्ध ही खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगर जहाँ 150 रुपये तेल बिक रहा है वहाँ आप 200 रुपये शुद्ध बेचेंगे तो बिकता है। हाइजीन सबको चाहिए चाहिए, और इस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं, है नहीं? भारत मशीनरी एंड एंटरप्राइजेस एग्जैक्टली कितने महीने हो गए, साल बताएं? भारत मशीनरी एंड एंटरप्राइजेस का लगभग एस्टैब्लिश किए हुए 3 साल प्लस हो रहा है, 3 साल 1-2 महीने हुआ है, और 3 साल में हम लोगों ने 1 एवरेज पर ईयर कम से कम मान के चलिए कि 1000 युवाओं को हमने रोजगार से जोड़ा है। मिनिमम 3000 लोगों को, मैं बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन पूरे ऑल इंडिया में 3-4 हजार लोग हमारे कंपनी के थ्रू जुड़ के आज सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कि उसमें से 10-20% लोग फेल भी कर गए, जो आज बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनकी मशीनें नहीं चल रही होगी भाई, उनको ये काम पसंद नहीं आया हो या फिर उन्होंने सही से अपना काउंसलिंग नहीं किया, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 3000 लोग तो कम से कम जरूर, उनसे हमारी बात होती है, मैसेज पे बात होती है, सोशल मीडिया के थ्रू बात होती है, तो अच्छा लगता है। जी जी। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पैकेजिंग है, फूड है, अभी सरकार मदद कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना है, उसमें 10 लाख तक की लोन मिलती है, 35% का सब्सिडी है। सबसे अच्छी बात है कि लोन लेना बहुत आसान है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको बिना किसी घूस घास का जो है आपको लोन दे देती है, ईमानदारी से कमा के 35% के साथ आप जो है उनका चुकाइए और आप भी आगे बढ़िए। उसके बाद भी PMEGP भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन हजारों है करने के लिए जो है कि चाहिए। सब अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ, करना क्या है, करना क्या है। तो सर से आज फिर से एक बार बातचीत करेंगे बिजनेस के ऊपर कि भाई कैसे युवा आपसे कौन सा बिजनेस से जुड़े, कैसे करें एक बार। हालांकि सारा चीज़ मालूम ही है, लेकिन एक सिलसिलेवार ढंग से मैं चाहूँगा कि बहुत तरह की मशीनें हैं और आप बता सकते हैं कि भाई किन मशीनों से आप कौन सा व्यापार कर सकते हैं। देखिए सर, हमारे पास मोस्ट ऑफ द ये सारी जो मशीनें हैं ये 10 HP में हैं। इसमें जैसे लोगों का डिमांड जिस हिसाब से हो उस हिसाब से रहता है। 10 HP में हमारा 6x4 ब्लेड में डबल चेंबर में मशीन है। अच्छा, ये मशीन हजारों यूनिट हमने सेल किया है। अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और लगातार घंटों घंटे इसे चला सकते हैं 24 घंटे भी, क्योंकि इसमें हमने ऑयल कूल सिस्टम दिया है जिससे आपका शाफ्टिंग गर्म होने का समस्या नहीं रहता। ये मशीन बहुत ही हेवी क्वालिटी का है। इस मशीन को लगा के लोग सत्तू बेसन वगैरह का पैकिंग कर सकते हैं। क्या इसका प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन पर आवर 100 kg, 10 HP के ये मोटर से चलेगा 1440 RPM। अच्छा, से अच्छा, इसी में हमारा ये पंजाब मॉडल आता है, ये भी लगभग 100 kg का प्रोडक्शन निकाल के देती है। ये सेम काम करेगी आपकी। अच्छा, ये आपका 14 इंच चेंबर में। अच्छा सर, इतने सारे पर्वराइजर्स आपने बेचे हैं जी, पंजाब मॉडल लोग बहुत सुनते हैं जी, तो कोई ऐसी खास बात है क्या पंजाब इसमें? सर, एक पार्टीशन के बीच में एक जाली दे दिया गया है जिससे आपका मैक्सिमम जो है 40% तक टूटने का काम होता है वो पहले चेंबर में हो जाता है। देख सकते हैं इसमें मोटा मोटा जाली है। उसके बाद जो है वहां से जो अनाज यहां से आगे निकलता है, फिर यहां से वो बाकी का 60% पिसाई होके निकलता है। अच्छा। तो एक इसका अलग है, लोगों का डिमांड रहा है इसलिए हम लोग जो है डेवलप कर दिए। उसके बाद तो ये थोड़ा सा इसकी भी बताएं क्या प्रोडक्शन है। ये प्रति घंटे 100 kg का प्रोडक्शन, 100 kg इसका भी है जी, 10 HP में अगर चलाते हैं तो। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारा 16 इंची चेंबर में ये आता है 4x4 ब्लेड में, बहुत ही दमदार है। इसकी चेंबर की चौड़ाई भी ज्यादा है, 7 इंच की चेंबर इसकी है। ये भी आपको लगभग 120 kg तक आराम से प्रोडक्शन निकाल के देगी 10 HP के मोटर पे। अच्छा। जो आप आराम से इसको चलाते हैं तो मतलब 1000-2000 रुपया प्रतिदिन कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 2 ऐसी मशीनें हैं
जो समझिए प्लांट मॉडल की टक्कर देती है। ये मशीन आपको प्रति घंटा 250 किलो का प्रोडक्शन निकाल के देगी, 250 केजी जी प्रति घंटा एक जो है मशीन से। अच्छा, 20 एचपी के मोटर पे चलाना है और इसका जो है प्रोडक्शन क्षमता 250 किलो है। 6x4 ब्लेड में डबल चेंबर में मशीन आता है। 20 इंची चेंबर साइज क्या है सर? 20 इंची का सर, 20 इंची वाली, 20 इंची का चेंबर है। हॉपर भी लगभग 50 केजी का है, काफी जो है दमदार इसको कह सकते हैं। उसी में हमारा कितने एचपी तक का मोटर इसमें आता है सर? 20 एचपी तक, मतलब 20 एचपी से ज्यादा अगर मान लीजिए किसी के पास होता क्या है कि भाई थोड़ी मोटर पड़ी है हैवी वाली भी, 25 एचपी पे भी कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा, 25 पर चला सकते हैं तो समझिए 10-20 केजी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ 50 केजी बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ताकत बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसी में हमारा ये बहुत ही दमदार मॉडल आज के टाइम में है, बहुत अभी नए में बहुत लोग ले रहे हैं। 8 बीटर के साथ पहला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 बीटर के साथ पहला डबल चेंबर में, मतलब टोटल इसमें 12 बीटर है जी। इसकी हॉपर भी काफी बड़ी बनाई है हमने, चेंबर भी काफी बड़ा है, 18 इंच के चेंबर के साथ ये मशीन आता है। मैग्नेट वगैरह सारा इसमें भी लगा हुआ है, ऑयल का सिस्टम इसमें भी है। ये भी 250 किलो प्रोडक्शन निकालने में कैपेबल है। अच्छा, अगर आपको प्लांट लेवल पे काम करना है तो इसमें हम साइक्लोन लगा के, इसमें हमारा साइक्लोन मॉडल भी आता है, साइक्लोन मॉडल लगा के दे देते हैं। आराम से पैकेजिंग आप कर सकते हैं, प्रति घंटे 250 किलो तक आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे डायरेक्ट शाफ्टिंग में ये सब मशीनें आती है। अच्छा। ये स्पेशल महिला और बुजुर्ग के लिए हम करते हैं भाई, इसमें आपको किसी भी प्रकार का समस्या ही नहीं है, ले जाइए और पहले घंटे से आप काम करना चालू कर सकते हैं। ये लगता है कि ट्विन वन है, ट्विन मसाले वन, भी इसमें, मसाला भी इसमें आगे से पीस सकते हैं, बस बटन दबाना है। अच्छा। और चालू, इसमें आपका साइक्लोन भी लगा है और बेहतर साइक्लोन लगा हुआ है। इसमें एयरलॉक सिस्टम वगैरह भी सारा लग जाता है, जैसा मार्केट का डिमांड रहेगा और लोगों का उस हिसाब से कर देते हैं। उसके बाद ये मसाला मशीन है, इसमें हमारे पास जो है 4 रेंज आता है। एक तो ये 3 एचपी में आ गया जी, इसमें 5 एचपी का आता है, 7.5 एचपी का आता है, 10 एचपी का और 15 एचपी का, ठीक है। हर एक रेंज का इसमें मसाला मशीन आएगा। मसाला मशीन से आप सभी प्रकार के मसाला एक बार में पिसाई कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में मसाले का डिमांड काफी बढ़ गया है जी जी। इसमें इस प्रकार से बना होता है, इसमें हैमर और पट्टी दोनों लगा होता है ताकि आपका मसाला और हल्दी दोनों। अच्छा। जो है इसमें आपका मिर्चा हल्दी सब पीस सके बहुत आसानी। मसाले बोले तो सारे मसाले, सारे मसाले इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से पीस सकते हैं, एकदम समझिए पैकेजिंग लेवल का। और कोशिश करें कि जब आपका चॉइस आटा और मसाला दोनों का हो तो भाई ये कंपलसरी लेना है, ले लेना है। गलती यही करते हैं सर कुछ लोग ना, कि एक कहीं पे सारी चीज पे करते हैं तो सर वो सही नहीं है ना, फिर वो जो जो चाहते हो कर नहीं पाएंगे उससे। एक एवरग्रीन हमारा मशीन रहा है हमेशा से, जो मैं हमेशा से प्रीफर करता हूँ। आपने बोला कि ये सेल्स रिकॉर्ड वाली, हाँ रिकॉर्ड सेल्स वाली मशीन है ये, कह सकते हैं कि इतना जाता है, इतना जाता है कि इसका क्या बताएं सर। क्यों ये मशीन पे खास करके इतना कैसा क्या? मशीन का कारण है कि बहुत कॉम्पैक्ट मॉडल है ये। अच्छा। इसकी साइज बहुत अच्छी है, इसका हॉपर साइज बहुत अच्छा है। उसके बाद इसमें हमने एक अपडेट ले आया है, पहले हमारा ये 4x4 ब्लेड में होता था, अभी 6x4 ब्लेड में है। बहुत दमदार अपडेट है, कस्टमर के लिए बहुत ये खुशी का कह सकते हैं कि अपडेट है, क्योंकि ये 4x4 ब्लेड होने की वजह से बहुत लोगों को लगता था कि भाई 6 वाला ब्लेड होता तो बेहतर होता, तो हमने इसमें 6 ब्लेड भी अपडेट कर दिया है। इसका प्राइसिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, मिनिमम प्राइस पे ये मशीन मिल जाता है। इस मशीन की खास करके प्राइस क्या रखें? इस मशीन की सर 55,000 इस मशीन की प्राइसिंग है। क्या बात है, इसमें आपका जो है मोटर वगैरह आराम से लग जाता है, जो काफी सेफ्टी रहता है। पूरा चारों तरफ से इसमें बॉक्स बना हुआ है जिसके कारण आपका इसमें सेफ्टी रहेगा। इसमें आपको टूल बॉक्स बना हुआ है। अच्छा, जिसमें आप सारा टूल रख सकते हैं अपना, तो सारा चीज इसमें आपको मिल जाता है। अच्छा सर, एक बात बताए कि जितनी प्रोवाइस आपने बताई हैं जी, मोटर के बारे में क्या राय है? मोटर क्या मोटर सर लोग अपना लगाएंगे? नहीं, मोटर हमारे यहाँ फिक्स है, आप अपना लगाइए तो भी बेहतर, नहीं अच्छा, तो हमारे यहाँ से लेंगे तो हम क्रॉम्पटन की मोटर देंगे, हेवेल्स की मोटर देंगे, किलोस्कर की देंगे, सीमेंस की देंगे। ये जितनी भी ब्रांडेड मोटर है उसको मैं आपके आपको प्रोवाइड कराऊंगा मशीन के साथ। उसमें क्या फायदा होगा कि आप लोकल में जाएं, देखिए हमारे पल्वलाइजर में कुछ नहीं होने वाला, ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, पल्वलाइजर के अंदर कुछ नहीं होगा। आप थक जाएंगे, पल्वलाइजर को कुछ नहीं होने वाला, जीरो मेंटेनेंस है। लोग दो दो साल चार चार साल से चला रहे हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन होती है तो मोटर में। अगर आपकी ब्रांडेड मोटर है, कंपनी की मोटर है, तो आप अपने लोकल में उसका आराम से जो है सर्विस करवा सकते हैं और उसमें हमारे अच्छा खासा वारंटी मिल जाता है, तो टेंशन नहीं है। फिर आपका हमारे साथ अच्छा लंबा समय तक बॉन्डिंग रहने वाला है, तो ब्रांड मोटर के साथ अपने पास क्रॉम्पटन की एजेंसी भी है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे कीमतों पे जितना लोकल मोटर आता है उतना ही कीमतों पे आपको ब्रांडेड मोटर मिल जाता है। एक मशीन हमारे 6N17 मशीन है, इसमें बहुत सारा अपडेट भी अभी आ चुका है। राइस मिल वाला है। इसमें आप हॉलरिंग कर सकते हैं, दाल भी बना लेते हैं बहुत लोग, और ये बहुत पॉपुलर मशीन है। बहुत पॉपुलर है,
और बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे आज के टाइम में ये हमारे यहाँ रहता है। अच्छा। ये बहुत कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, और लगभग प्राइस बताएं 40 to 45,000 के आसपास ही आ जाता है बस। और बहुत ही बेहतर जो है कि इसको एक बार बता दीजिए सर, ये कितना निकालेगी? ये सर लगभग 600 किलो के आसपास। तब तो प्राइस रेंज तो सर बहुत ही बहुत दमदार है एकदम। 45,000 का इसका प्राइस है, आराम से कहीं से भी है लीजिए, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी हमारे यहाँ रहता है, कोई टेंशन नहीं है। 5 HP में हमारा जो है ये बहुत बढ़िया है, जिनको छोटे लेवल पे काम करना है थोड़ा, अपने पहले से अपने पास मोटर है उनके लिए भी ये मशीन काफी दमदार है जी। बहुत सारी यूनिट 5 HP में बोले तो सर क्या 25 से 30 kg? 5 HP में सर 50 kg 50 kg इसमें आएगा। क्रोमटन की मोटर रहनी चाहिए, और इसमें अलग से मोटर आती है, 50 kg का प्रोडक्शन आएगा, गेहूं के आटे का 3 नंबर में, ये भी बता देता हूँ। अच्छा। बहुत लोग जितना अगर पतला पीसते जाएंगे तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, गीला रहे तो 45 kg आएगा, ये नहीं होगा कि 30 kg आएगा, 45 kg आ सकता है जब भी आएगा तो। हाँ, 45 से 50 kg से ऊपर ही आएगा। उसके बाद हमारा दो मशीन है, ये कह सकते हैं मैं उन लोगों के लिए हूँ जो लोग रिटायर्ड होकर घर पे बैठे हैं, महिलाएं जो सिलाई मशीन चलाती है उनको मैं कहता हूँ कि सिलाई मशीन छोड़ के थोड़ा सा पल्वलाइजर भी चला करके देखिए, हाँ, कि उससे कितना जो है कमाई हो सकता है, क्योंकि पैर थका लेते हैं और पूरे दिन में 50-100 रुपया कमाते हैं। और सर ये तो मतलब घर के किसी कोने में आप खड़ा कर दीजिए, ये आपका जो मशीन है ये तो 2-in-1 है, मसाला प्लस जो है कि अनाज सारा पीस सकते हैं। इसमें आपका हॉपर लगता है, ऐसे हॉपर हटा देंगे फिर ऐसे हॉपर लगा देंगे, आगे से इसमें आपको मसाला पीस सकते हैं, पीछे से अनाज पीस सकते हैं। ये आपको 1 touch start मशीन है समझिए, यहाँ पे आपको अच्छा स्टार्टर वगैरह सारा मिल जाता है, इसमें एम्पियर मीटर सब मिल जाता है, इसमें प्लग रहता है, वो प्लग खाली आपको बोर्ड में लगाना है और मशीन चालू पहले आवर से आप कमाना चालू कर सकते हैं। किसी के दुकान में लगानी है तो इसमें चक्का लगा हुआ है। अच्छा, आगे पीछे इसको कहीं भी कर सकते हैं। वेरी गुड, आप लगाइए और दुकान में, और फिर जब बढ़ा रहे हैं दुकान तो बंद करके अंदर रख दीजिए तो भी चला सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन सर 45 से 50 किलो आती है प्रति घंटा। 5 HP का इसमें मोटर लगा हुआ है, 2800 RPM का डायरेक्ट शाफ्टिंग से है, 6x4 blade डबल चेम्बर में ये मशीन आती है। बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया जो है इसका परफॉर्मेंस है, अभी तक हम लोगों ने काफी बेचा है, अच्छा रिजल्ट आता है। इसी का एकदम सेम समकक्ष पैरेलल हमारा 3 HP का मशीन है, महिलाओं के लिए सबसे बेहतर है, और ये स्पेशल कह सकते हैं महाराष्ट्र वगैरह में जितने भी लेडीज लोग हैं वहाँ पे लेते हैं इस मशीन को। सही बात और है, बहुत अच्छे से छोटे स्केल पे जो है काम कर रहे हैं, वगैरह भी पीसना है, मसाले भी पीसना है तो इसका काम हो जाता है। और ये सर एक छोटी सी राइस मिल है। अच्छा, इस मशीन की भी काफी डिमांड रही है, और सैकड़ों मशीन ये जाती है, ये तो बहुत बारी हमारे यहाँ कह सकते हैं ऑफर में गिफ्ट में भी रहता है ये। अच्छा, मशीन अच्छा। जो है गिफ्ट में भी रहता है हमारे यहाँ, जब buy 2 get 1 वाला ऑफर चलता है तो हमारे यहाँ ये मशीन गिफ्ट में ही मिल तो जाता ये, है। ये सब सर कितनी प्राइसिंग वगैरह कुछ बता सकते? ये सर आपका 55 का रहेगा, ये सर आपका 45 का रहेगा। 45 का रहेगा, और ये छोटी वाली? ये छोटी वाली सर ये आपका 30 का रहेगा। 30 का रहेगा जी। और इधर थोड़ी सी प्राइसिंग छूट गई, ये लगभग आप बता दे तो ये 75 के आसपास का रहने वाला है, 75,000 के आसपास रहने वाला है। और फिर ये भी सर लगभग 10 HP का सारा उसी रेंज का रहने वाला है। और ये जो दोनों स्पेशल आपने बताए थे, लखिया मशीन है। अच्छा, मतलब ये लखटकिया मशीन लखटकिया मशीन है, क्योंकि ये लखटकिया मशीन जो है ना सर, ये आपको समझिए आप कह सकते हैं 5 lakh का जो प्लांट लगता है अल्टीमेट उसका काम कर रहा है। अगर आप 250 किलो का प्लांट लगाते हैं, पूरा सेटअप लगा के काम आपका 250 किलो का ही होना है, लेकिन प्लांट आप 5 lakh 7 lakh का लगा देते हैं। हम कहते हैं कि आप 1 lakh रुपए लगाइए, ये मशीन लगाइए, पैकिंग चालू करिए, जब आपका समय ऐसा बदले तो इसी में हम आपको एलिवेटर लगा देंगे, इसी में जो है आपको क्लीन करने वाला लगा देंगे, तो सारा चीज पॉसिबल है। स्टार्टिंग करिए और उसके बाद उसी से कमा के उसी से करिए, तब मजा है। अब पहले पूरा इन्वेस्टमेंट फंसा दिए फिर कमा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई इतना पैसा। तो भाई सही बात है, हर तरह की तो मशीनें आपके पास हैं ही। अब थोड़ा सा कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर बात कर लिया जाए तो एक बार हमारे जो नए दर्शक हैं, जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको जरा सा बताएं अपने कि अपने सर्विस मेंटेनेंस वगैरह का क्या रूल्स हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पूरे ऑल इंडिया पे जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को हमारे साथ जुड़ने में परेशानी होती है। तो मैं अपने सर्विस के बारे में, सबसे पहला सर्विस आता है ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, जो बहुत लोग सोचेंगे भाई मैं बंगाल से हूँ, मैं बेंगलोर से हूँ, आपके वहाँ क्यों जुड़ूँ? तो सर आप हमारे यहाँ इसलिए जुड़िए कि हम बेहतर प्रोडक्ट के साथ आपको फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं, आपको हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज नहीं लगती है। अच्छा। पूरे पैन इंडिया में कहीं भी है, 12,000 पिन कोड पे आप कहीं भी है, पहला पॉइंट है। होम डिलीवरी में आपको मशीनें हम प्रोवाइड कराते हैं दरवाजे पे, ना कि आपके नियरेस्ट स्टेशन पे, दरवाजे पे करवाते हैं। दूसरा,
जो मशीन आप हमारे यहाँ लेते हैं उसके लिए मात्र आपको 20% ही पहले चुकाना रहता है। जब आप 20% दे देते हैं तो फिर वो ये हमारे लॉयलिटी प्लान के अंदर है। जब हमारे कस्टमर हमारे ऊपर लॉयलिटी करते हैं, भाई आप हमें पूरा पैसा नहीं भेजें, मात्र 20% भेजें, जब मशीन आपके दरवाजे पे पहुंचे, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप कोई सामान मंगाते हैं, आपके पास सामान मिलती है तब आप उसको कैश दे के पैसे रिसीव कर सामान रिसीव करते हैं, वैसे ही आपके दरवाजे पर जब मशीन जाए तो उन्हें पैसे दीजिए और साथ ही साथ मशीन रिसीव कीजिए। ये दूसरा फैसिलिटी है। अब बारी आती है आपकी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम की, भाई आप मशीन कैसे ऑपरेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास बकायदा टीम है। आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी, हमने जो मशीनें डेवलप किया है उसको इस लेवल से डेवलप किया है जिसको सिर्फ आप कोई नॉन टेक्निकल बंदा आराम से इस मशीन को खुद से चालू कर सकता है। अगर उनको कहीं भी ट्रेबल लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, वहाँ हमारी टीम वीडियो कॉलिंग से पूरा सपोर्ट करती है, और फिर भी अगर परेशानी है तो फिर जो पॉसिबिलिटी होती है कि भाई कैसे कर, हालांकि मुझे आज तक बता देता हूँ कि 3 साल में सर हमने तो आपको बताया है कि लगातार कितने सारे मसले, कभी भी हमें कस्टमर के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमने इतना सिंपल कह दीजिए फिटिंग वाला मशीन बनाया है कि कोई भी आदमी अगर समझिए इसमें मोटर लगाना है, मोटर लगा के और बस खाली एक फाइन बेल्ट ही चढ़ाना है, तो इतना तो कोई भी कर सकता है। अगर फिर भी नहीं करता तो उनके आसपास के कोई मिस्त्री है, उनसे हम करवा देते हैं, बहुत ईजी है। मतलब पूरी बातें, पूरी रामायण इन्होंने बता दी है, तो कहीं कुछ बचता ही नहीं, बचता है। नहीं है बाकी जो है जो डिटेल्स इंक्वायरी है, और भी अगर उसमें आपको कुछ संकोच है या फिर कुछ मन में प्रश्न दौड़ रहे हैं तो भाई कॉल कीजिए, और लोकेशन बता दें कि यहाँ पे आके भी देखना चाहें तो भाई ये महुआ में कहाँ पर है? महुआ में, ये समस्तीपुर रोड है, समस्तीपुर रोड है, महुआ में हमारा समस्तीपुर रोड पड़ता है, बिहार के वैशाली जिला, वैशाली जिला में हाजीपुर के निकट महुआ है, और महुआ से जो समस्तीपुर रास्ता जाती है वहाँ पे पड़ता है। मुजफ्फरपुर पटना के एकदम हमारा नज़दीकी जंक्शन है, समस्तीपुर से भी आप आ सकते हैं, कहीं से भी आप उतरिए वहाँ पे, इस जंक्शन पे हमें कॉल करिए, ऑन द रोड। एक चीज और है कि आप अगर हमारे कंपनी से जुड़ते हैं तो कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जिनको हम लोग के यहाँ से निश्चित उपहार नहीं मिलता है। जो भी मशीनें आप परचेजिंग करते हैं उसमें वेट स्केल हो सकता है, या फिर बाय टू एक बाय गेट वन कुछ ना कुछ एक ऑफर रहता है, या फिर एक हेवी डिस्काउंट, मतलब कोई भी ऑफर आपका वेट कर रहा है, मतलब जो प्राइसेस आपने फिक्स कर रखी है उसमें भी कुछ आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, या फिर आप कह सकते वेट स्केल मिल जाए, या फिर दो लेते हैं तो एक आध मशीन फ्री मिल जाए, मतलब आपके काम की कुछ ना कुछ चीजें यहाँ से हमारे यहाँ से उपहार में मिलती है, क्योंकि ये आप लोगों की ही कंपनी है, बहुत मोटा नहीं कमाना है, हल्का कमाना है और आप लोगों के लिए सेवा करते रहना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई धूपन भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और इनकी मेहनत और लगन देख करके मुझे भी मतलब ऊर्जा मिलती है जी सर, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात हो ऐसा तो आप कॉल करें, इनसे जुड़े, आटा चक्की और मसाला उद्योग का जमाना है, और जैसा इन्होंने शुरुआत में बताया कि अब लोग हाइजीन खोजते हैं, तंग आ चुके हैं मिलावट वाली सामानों से, तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी धूपन जी के साथ किसी नए जगह पर। फिर हम चाहेंगे कि अगली वीडियो सर किसी कस्टमर के यहाँ चल के बनाए तो ज़्यादा 100% अच्छा, अगली वीडियो कस्टमर रिव्यू करवा देते हैं, क्योंकि उससे लोगों को सही क्लैरिटी आएगी, भाई हम तो सामान बेच रहे हैं तो हम जो बताएंगे उस पे मजा नहीं है, कस्टमर क्या अनुभव करता है उनका भी एक रिव्यू लेंगे, अगली वीडियो चाहेंगे कि कस्टमर रिव्यू हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, फिर बहुत सारी बातें होंगी, और जो हमारे मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।